लगी है। इसमें गोलगप्पे भी हैं और बिरयानी भी बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं भाई। आप देख सकते हैं पकौड़े भी पड़े हुए हैं और इधर जो देख बड़ा रखा हुआ है उसमें बिरयानी है। शायद मैं आपको अभी दिखाता हूँ, दीपा बताऊंगा जिससे आपका भी फायदा और हमारे तमाम मरहूमीन का भी फायदा होगा। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा जो लोग अभी मैं पहुंच गया हूं जो मेरी छोटी बहन है उनका घर है। वालेकुम जी, ईद मुबारक सभी भाइयों को। और सुबह सुबह मैं और कैमरा मैन जायद भी उठ गए हैं और अभी हम नहाएंगे। नहाने के बाद फिर गांव में ईदगाह है, जो कि पिछली बार पिछले साल छोटा सा व्लॉग बनाया था, बिल्कुल ही तीन मिनट का। इस बार थोड़ा सा बड़ा व्लॉग होगा। ईद मुबारक हो। और कैमरा मैन मुँह मत ऐसे करो। सो अभी नहा के फिर चलते हैं, आपको थोड़ा बहुत गांव में घुमाएंगे भी, गांव की रौनक दिखाएंगे। अभी ठीक है दोस्तों, नहाते हैं जाकर। और ये क्या है? सो ठीक है भाई, नहा नू के तैयार होके जा रहे हैं ईदगाह पर। और अभी आगे सही साहब भी जा रहे हैं, आप देख सकते हैं थोड़ा आगे चले गए हैं। तो मैं व्लॉग वहाँ पर थोड़ा सा शर्माती बना नहीं सकता, सो मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। और भी भाई अपने जा रहे हैं तो देखें, सो जल्दी से जल्दी चलते हैं। और माल भी नहीं बांधा मैंने तो, बस निकलते ही जब घर से निकला हूँ तो भी सब आ रहे थे, तो अभी हम मैं भी जा रहा हूँ आगे जाके देखूँगा ईदगाह पर अगर थोड़ा सा व्लॉग बना पाया तो। जल्दबाजी कर दी सब, मैं यहाँ से पीछे पीछे अपन है। तो फिलहाल अभी हम पहुंच गए हैं ईदगाह में, देख सकते हैं सभी भाई धीरे धीरे आ रहे हैं, फिर सब आगे जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तो इधर मेरे साथ हैं रियासत भाई और फिर याद को बोला था थोड़ा सा बना दे, नहीं वो बना पाए। हाँ देखिए, अभी बहुत कम आए हैं तो मैं सलाम लेता हूँ सही हिसाब से। ले भाई अब तो बना देना, ऐसे चालू रखो। काम का टाइम है, काम करने के लिए काम करने वाला बहुत है। अब तो काम हो गया, जल्दी का करना। हां गुरमीत, की हाल है? खैर मुबारक, खैर मुबारक। आओ बड़ी कल अगली सब बैठो, खाना खाते नहीं खाते। वालेकुम। अभी हम ईद गई हैं और थोड़ी सी बात आप लोगों को बतानी थी, अभी तो फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अपने भाई ईद की मुबारक दे रहे हैं,
जावेद के नाम से जावेद जावेद भाई का जरूर 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 हमें तो सीन ले हां जी ये हेलो कोई जगह तुम छोड़ दे रजत भाई भाई अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक भाइयों आप सभी को क्या हालचाल है बढ़िया ये हमारे बाबा जी हाय छोटे बाबा जी वालेकुम अस्सलाम बनाने के लिए जो भी अपनी मर्जी से जो भी देना चाहे भाई दिन से हाँ 150 और सलमान भाई ईद मुबारक बाबा वालेकुम अस्सलाम एक तो हाथ में एक फोन है बढ़िया बढ़िया और अपने दुकान दुकान कोई लगी है कौन सी बब्बू की ठीक है भाई तो मैं आप लोगों को आप भी लेके जाऊंगा काम में दुकान भी लगी है एक वैसे तो डेली लगाते हैं तो आज अपने गले में तो आप चलेंगे पहले घर के जाके आते हैं सलाम अलैकुम एक तो हाथ में कैमरा है तो ये फ़ोन है तो एक हाथ से सलाम ले रहा हूँ तो ये देख सकते हैं भाई धीरे धीरे सभी भाई अपने घर जा रहे हैं वालेकुम अस्सलाम और इधर एक पुलिस वाले भी भाई साहब बैठे हुए हैं चलिए भाई अब हम लोग घर जा रहे हैं और भाई सलाम अलैकुम और सामने एहसन और अली शेर भी आज तो पूरा टॉप क्लास हाँ हाँ ठीक भाई और आज तो भाई अली शेर भी पूरा टॉप क्लास वाह जी वाह अली शेर हाँ भाई कौन ले आए कपड़े हैं तेरा पापा या अकेला रखे हट दे और टॉफी भी दे रहे अली शेर आज तो पूरा टॉप क्लास लग रहे हैं और भाई आप दिखाना ऐसे नली कपड़े दिखाएं देखें आज तो यार माशाल्लाह अली शेर भी पूरा टॉप क्लास क्यों है कि नहीं अरे यार जबरदस्त लेके अली शेर दिखाओ हेलो हाँ हाँ जी जावेद भाई तो ऐसे न लगे दोस्त भाई जाहिद अली वो आएंगे इसलिए ये वेट कर रहे हैं तो अभी हम लोग चलेंगे घर बस चलो कोई नहीं सो भाई अभी मैं जा रहा हूँ घर और पी साहब आ रहे थे तो मैं उनका वेट करने लग गया अभी मैं जा रहा हूँ घर और जाके पता करते हैं घर पे कोई सामान की ज़रूरत नहीं है तो बस थोड़ी ज़रूरत है तो ला के देता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको गांव में लेके चलूँगा गांव की भी आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो दिखाऊँगा अभी घर पहुंचा तो और अपने सालम ये देखें आप न्यू शूज कितने के लेके हैं भाई सालम 700 के इधर बता दिया भाई इनके मसेर ने और रमजान भी आप देख सकते हैं और जाहिद भी देखें आप ये नए ट्रेंडिंग जो पैंट अभी चली है इसका नाम क्या है पता नहीं है क्या नाम बोलते इसका बोलते हैं भाई है? फुल पैंट और मुंह में पता नहीं क्या डाल रखा है रमजान का अच्छा
सो अभी मैं चलता हूँ घर और पता करता हूँ किसी सामान की जरूरत है नहीं, फिर उसके बाद मैं आपको गांव में उधर लेके चलूँगा कासिम की गली में। हम जा रहे थे, ये देख सकते हैं आप टिफिन है, अभी मैं अपनी सिस्टर के घर जा रहा हूँ और जो मीठा बना है वो देने के लिए जा रहे हैं। कासिम जो कासिम भाई बोल रहे हैं कि आज 4-5 वीडियो बना दीजिएगा एक ही दिन में, तो ऐसा नहीं होता भाई, कासिम एक ही वीडियो बनेगी। सो चलें फिर, चलें। चलो, कितनी को दुकानें लगी उधर आप वाली गली में हैं। चलो गाइस, आपने इसने झूठ बोला था कि ऐसे बोला था कि ईद वाले दिन आप आपको सेंटर पार्क मिल जाएंगे। अरे ईद वाले दिन सेंटर पार्क नहीं जाया जाता भाई, ईद वाले दिन नहीं, कोई नहीं जाता है। सो अभी हम लोग चल रहे हैं, आ जाओ। सो चल रहे हैं और उधर आप लोगों को मैं जो थोड़ी बहुत रौनक लगी दुकानें हैं, क्या कुछ है, पकवान बने रहे हैं वो भी दिखाऊंगा। और ये टिफिन तो आपको दिखाई दिया भाई, और YouTube को पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, कोई एक आधी वीडियो और चला दे भाई, YouTube काफ़ी मेहनत कर रहे हैं यार। सो अभी हम लोग चलते हैं फिर आगे जाके। अब बताएं यार, हाँ, अब भाषण करें, अब भाषण कर, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और सब कर पारा करें। और ये है राशिद, और पीछे इधर शबीर छुप गए हैं, और अभी मैं इनके घर पे पहुंच गया हूँ। और इनको देखिए, ये उसमें सीरा है या अपने सेवियाँ बनी हुई है पता नहीं मुझे भी, तो मैं तो सीरा का क्या है तो देखकर फिर आगे चलेंगे। मेरी छोटी सी सिस्टर घर पहले इनके घर चलते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है। सो भाई अभी हम लोग पहुंच गए हैं, ये मेरी बड़ी बहन सिस्टर का घर है, ये देख से अभी इन्होंने ये बनाया है, पहले उधर साइड में था, थोड़ा टूट गया था सो टूट रहा था, तो अभी ये इन्होंने अभी तैयार किया। ये साथ में आप मस्जिद भी देख रहे हैं, बिल्कुल साथ में है। तो अभी हम लोग चलेंगे छोटी बहन के घर, ठीक है, वो भी आपको लेके आता हूँ। अभी मैं पहुँच गया हूँ जो मेरी छोटी बहन है उनका घर, ये देखें यहीं पे ये बाइक खड़ी हुई, यहाँ पर शायद मकबूल भाई साहब भी आए हुए हैं। सो लेकर चलते हैं और फिर अपने जाके आपको मैं पीछे एक आधी दुकान भी, इन्होंने भी अभी ये मकान बनाए हैं, चले देखते हैं। बिल्कुल अभी भी ये फर्श लगाया गया है और सारे मकान अभी बनाए हैं। इधर इनका वॉशरूम है, इधर इनकी छोटी सी, ये देखें सिलेंडर सुलेंडर रखा हुआ है, इधर देखें अब और बकरियां आ गई हैं इनकी, ये देखें अब इधर सीढ़ियां बनी हुई हैं और ये अलग ही सिस्टम बनाया हुआ है। अच्छा, और इधर फ्रिज, छोटी सी रसोई, ये रूम, यहाँ पर टीवी होगा शायद, नहीं है भाई। अभी हम जाके आ गए अपनी छोटी बहन के घर, अभी हम लोग चल रहे हैं वापस, और जो छोटी सॉरी मम्मी की दुकान थी पान वाली वो आज नहीं लगी है। सो किस चीज़ की पान, चलो अपने खाना ही नहीं पान, तो अब हम लोग चल रहे हैं वापस। लोगों को बताया कि आज के दिन एक ही यहाँ पर मुझे पान बनाओ भाई बाबू, आज एक ही दुकान लगी हुई है और अंदर फ्रिज भी रखा हुआ है भाई का, देखें आप, और एक ही दुकान लगी है, इसमें गोलगप्पे भी हैं और बिरयानी भी बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं भाई, आप देख सकते हैं पकौड़े भी बड़े हुए हैं, और इधर जो देख बड़ा रखा हुआ है उसमें बिरयानी है शायद, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए, ये टिफिन को मैं फ्रिज के ऊपर रख देता हूँ एक मिनट, बिरयानी भी है और ये पकौड़े हैं, इसमें है इधर पापड़, जूस भी है और ये गर्म है भाई बिरयानी बिल्कुल, ये देख लिया, वाओ भाई साहब गर्मा गर्म बिरयानी, और इधर पकौड़े तले जा रहे हैं। इतने ताना देंगे बिरयानी, जायद की बिरयानी टेस्ट कराएंगे मड़ी जी,
नहीं देनी चार किलो भाजी भाई, डबल भाजी नहीं तो बराबर पैंती आ गया था मैं उधर से, और अभी मैं जा रहा हूँ घर और बाइक लूँगा, और बाइक पर देखते हैं एक आधी कोई रील बना के लेके आएंगे, कोई साथी मिल गया तो। और बाकी आपको दुकानें दो दिखाई दी जो जो बनी, एक ही दुकान थी। अभी क्या है कि कल मैं चक्की नहीं चला पाया था और छुट्टी कर दी, आज सुबह भी नहीं चलाई। सो अभी मैं, हाँ हाँ ले ले भाई ये ले, तू क्यों रहेगा पीछे। सो अभी मैं चक्की चलाता हूँ, आटा पीसने वाला पड़ा हुआ है। और बताइएगा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, ठीक है, और मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो ब्लॉग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस ब्लॉग।